इस वीडियो में देखेंगे चॉपिंग एरर क्या होता है और चॉपिंग एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो चॉपिंग एरर निकालने से पहले हम चॉपिंग के बारे में पहले जान लेते हैं चॉपिंग क्या है। जब हम किसी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने से पहले नंबर को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, 28.86 कोई नंबर दिया हुआ है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट में लिखना है। फ्लोटिंग पॉइंट में लिखने से पहले इसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो मेरा मेंटिसा होना चाहिए वो 1 से छोटा और 0.1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए हम पिछले वीडियो में बताए हैं, तो आप देख लेते हैं, ये बड़ा है तो 0.28286 इंटू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट प्लस में होगा, 3 प्लेस कर रहे हैं तो 3। ये नॉर्मलाइज फॉर्म है, लेकिन हम लोग को पता है कि जो मेरा फ्लोटिंग पॉइंट होता है 8 बिट का, तो 8 बिट होता है, 8 बिट मेरा होता है 4 बिट मेंटिसा का, 2 बिट एक्सपोनेंट का और 1 साइन बिट एक्सपोनेंट का और 1 साइन बिट मेंटिसा का। क्योंकि हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं मेरा मेंटिसा का साइन प्लस में है, प्लस 2828, फिर 4 डिजिट, उसके बाद एक्सपोनेंट का साइन बिट मेरा प्लस में है तो प्लस 03। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम 4 बिट ही लेते हैं मेंटिसा का, 4 बिट ही लिए, तो क्यों 4 बिट लेते हैं, 6 छूट रहा है, तो यही इरर आता। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए दो रूल हैं, एक है चॉपिंग, दूसरा है राउंडिंग। राउंडिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं चॉपिंग क्या है। तो चॉपिंग में यही होता है कि जो भी मेरा है मेंटिसा, मेरे पास अगर 5 है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, तो चॉपिंग यही कहता है कि हमको सिर्फ 4 डिजिट मेंटिसा लेना है, D1 से D4 तक, बाकी जो भी है उसको छोड़ देना, D5, D6 नहीं लेना। अगर हम चॉपिंग से इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो मेरा ये फॉर्म है, इसको नॉर्मलाइज चॉपिंग से करते हैं तो चॉपिंग से करने पर सिर्फ लिखेंगे 2.828, ये मेरा चॉपिंग रूल होगा। चॉपिंग करके इसको नॉर्मलाइज किए हैं, लेकिन इसमें कुछ इरर आया, इसका इरर फाइंड करना है चॉपिंग के द्वारा। इरर निकालने के लिए, इरर कैसे फाइंड करेंगे, इरर फाइंड करने के लिए जो मेरा मेन नॉर्मलाइज जो किया हुआ है 0.28286 इंटू 10^3 माइनस जो मेरा चॉपिंग करके निकला था 0.2828 इंटू 10^3, यही मेरा हो जाएगा चॉपिंग एरर। तब लिख लेते हैं 0.00000 और मेरा 6 हो जाएगा इंटू 10^3, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट इक्वल है इसलिए सेम आएगा। अब इसको राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करते हैं तो मेरा एक्सपोनेंट माइनस में होता है, 1, 2, 3, 4, 5 बीट कर देते हैं तो 6 आ जाएगा इंटू 10^3 माइनस 5, 5 बीट किए हैं माइनस में आएगा तो 6 × 10^-2, ये मेरा चॉपिंग एरर हो गया।